एक्सरसाइज 11 है, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें दिया हुआ है सम फिगर्स आर गिवन बिलो, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, रे, लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन। मतलब कि इसमें कुछ तीन फिगर दिए हुए और इसमें रिप्रेजेंट करना है कि ये क्या है, जैसे फर्स्ट नंबर ए नंबर में क्या है दिया हुआ, ए नंबर में आपका है सी और डी, एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, इसमें बीच में लाइन दिया हुआ, तो सी और डी है। इसमें सी और डी ये क्या है, लाइन सेगमेंट है या लाइन है क्या है या रे है, आपको इसमें दिखना है। तो ये है आपका ए है आपका, ये लाइन सेगमेंट है, क्या आपका लाइन सेगमेंट, ये आपका लाइन सेगमेंट है। बी क्या है आपका, बी नंबर में आप देख रहे हैं कि दो पॉइंट है और लाइन जो है इधर एरो है, एरो है, तो ये क्या है आपका लाइन है। और सी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इंड पॉइंट है और दूसरी तरफ क्या है वो बढ़ रहा है, तो ये क्या हो सकता है आपका रे, ये हो गया आपका ए बी सी। अब जॉइंट द गिवन पॉइंट टू मेक लाइन सेगमेंट, नेम द लाइन सेगमेंट। और ए बी आपको इसमें जो है टू नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए और बी दो पॉइंट दिया हुआ है आपको, ए और बी इसको क्या करना है ज्वाइंट करना है और इसका नाम भी देना है। तो अगर हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका नाम क्या देंगे, ये ए और ये बी दिया हुआ है तो ए बी देखिए हम क्या करेंगे दो पॉइंट देंगे, इससे इसका नाम है। फिर इसी में आपका सी डी है तो सी डी भी आप उसी तरीके से कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, ड्रॉ थ्री डिफरेंट रेस, नेम देम। मतलब इसमें तीन कोई भी रे आप डिफरेंट अलग अलग टाइप के रे बना सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। रे क्या हो गया, जैसे ये है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का बता रहे हैं, ये एक रे हुआ, इसका नाम आप दे सकते हैं और आप कुछ इस टाइप का भी रे बना सकते हैं, दो भी दे सकते हैं और इसमें ऐसा भी आप दे सकते हैं, ये हो गया अलग टाइप का। ये क्या हो गया ओ, और आप यहाँ पे दे सकते हैं ए, यहाँ पे बी, ये भी क्या हो गया रे हो गया, इधर से रे जा रहा है और इधर से रे जा रहा है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है ओ है, ऐसा हो सकता है रे, दो रे मिल करके एक ये बन सकता है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा ओ ए इसको लिखिएगा ओ बी रे और ओ ए रे, इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिएगा तो आपका होगा। और सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे ये है, हम इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे ये हो गया, ये जैसे बीच में सेंटर दिए ओ और इधर एक रे बनाए, ये क्या हो गया ए दिए, तो क्या हो गया इसको दिखेगा ओ ए रे, और अगर इसी में हम दूसरा रे अगर इधर हम दे दें ये बी, तो क्या होगा ओ बी रे, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का ये है, यहाँ से हम ये कर दिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का ये था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ये था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर यूजिंग ए रूलर, एक आपको स्केल का यूज करना है रूलर का, इसमें रे टी आर बनाना है, रे टी आर फोर नंबर क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल है, रे बनाना है टी और आर करना है, यहाँ पे टी दीजिएगा यहाँ पे आर दीजिएगा, तो ये टी आर हो गया, ड्रॉ करना आप लोगों को। फिर लाइन सेगमेंट ए सी, ए सी लाइन सेगमेंट कैसे होगा ये आप लोगों को खुद करना है, लाइन सेगमेंट कैसा होता है और सिर्फ लाइन खींच करके आपको क्या करना है उसमें, ये काम आपका है। 11 ए हो गया और नेक्स्ट आपका ड्रॉ लाइन सेगमेंट, 11 बी भी हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि इसमें रूलर का यूज है, इसमें स्केल का यूज करके आप कर सकते हैं, सिर्फ इसमें क्या करना है मेजर करना है आपको, जैसे स्केल से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप 11 बी, हम 11 बी बता रहे हैं आपको इसमें, ये आपका 11 बी, इसमें आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा, अगर आप लोग कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बताएंगे बुक में, जैसे फर्स्ट नंबर है आपका ए नंबर है, यहां से देखिए यहां तक ये क्या है ए और बी, आप लोग इस पे स्केल रखिएगा,
स्केल में क्या है, एक स्केल होगा ऐसे, यहां पर पहले आपका जीरो होगा, फिर होगा वन, फिर होगा टू, फिर होगा थ्री, फिर होगा फोर, फिर होगा फाइव, और इधर आपका सेंटीमीटर होगा, एक साइड क्या होगा इंच होगा आपका, तो यहां से जीरो होगा, फिर यहां पे होगा वन, यहां पे होगा टू, यहां पे होगा थ्री। आप लोगों को इंच साइज नहीं नापना है, किधर से करना है आपको सेंटीमीटर साइज से, ये जीरो जहां पे है जीरो ये परफेक्टली वहां पे जीरो रखना है, इसको यहां पे ले जाकर के एकदम पूरा बराबर इक्वल इसी के इक्वल पे, जैसे ये जीरो है तो यहां पे आपको, यहां पे मैं आपको बता रहा है ऐसे, ये हो गया आपका ए। और बी में देखना है कि यहां पे कितना है, जैसे अगर यहां पे आपका ये हुआ, यहां पे अगर आपका परफेक्टली अगर जैसे हम तो यहां पे बनाए थे, और यहां पे आपका अगर टू है और यहां पे आपका थ्री है, तो ये कितना है आपका थ्री सेंटीमीटर है। आप लाइन के ऊपर स्केल रखिएगा और इसको नाप के देखिएगा कि वो कितना सेंटीमीटर है, ठीक उसी तरीके से यूज कीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से लिख के करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जैसे ए नंबर क्वेश्चन आपका सिक्स सेंटीमीटर, क्या है सिक्स सेंटीमीटर, इसका यूज कैसे करना, यही आपका एक रूल रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, ये स्केल आपका अगर छोटा वाला स्केल है जैसे 15, इसमें 15 सेंटीमीटर तक रहेगा, और अगर बड़ा स्केल तो उसमें 30 सेंटीमीटर तक रहेगा। तो ये है आपका, आपको इसके इसमें कितना तक करना है, तो सिक्स तक करना है आपको ये, और बड़ा तो जीरो के यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट रख दीजिएगा, स्केल पकड़िएगा कॉपी, जीरो पे एक पॉइंट दीजिएगा और सिक्स पे एक पॉइंट दीजिएगा, उसके बाद पेंसिल से क्या कीजिएगा सीधा लाइन खींच दीजिएगा। और हाँ, ज्योमेट्री में जब भी आप पेंसिल का यूज कीजिएगा, जब भी लाइन खींचना है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ पॉइंट दीजिएगा, यहाँ पॉइंट दीजिएगा, स्केल रख के एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि ऐसे 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 चार पांच बार कर देना है, दो बार भी नहीं करना, बस एक बार, वो चाहे आए या ना, अगर नहीं आया तो इरेज करके उसको फिर दूसरे जगह हम करेंगे, लेकिन ये नहीं क्या कि हम उसको तीन चार बार कर दिए तो आपका गलत हो जाएगा। ज्योमेट्री में पेंसिल थोड़ा एकदम अच्छे से साफ करके और उसको बनाइएगा। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अभी आज फिर हम एक बार कॉपी पे करके बताएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, लेबल द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम, आप इसको लेबल कीजिएगा, दिया हुआ है इसमें, आपको हो सकता है यहाँ पे लेबल कीजिए, इसको सी डी नाम दीजिए, इसका लिखना आपको ये क्या है सी डी है आपका, ये क्या है आपका लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को ऐसे ही ये आपका लाइन है, और फिर ऐसे दो एरो दिया हुआ है, इसको भी आपको ये करना है, ठीक इस तरीके से कुछ भी नाम देकर के आप कर सकते हैं। फिर सी नंबर है, सी नंबर है इसी में आप ऐसे क्रॉस दिया हुआ है, यहाँ पे आप बीच में ओ दीजिएगा, उसके बाद फिर आपको ये ए बी सी डी कर दीजिएगा, ये सब क्या है आपका ए बी सी डी, ये क्या है ओ ए आपका रे होगा, ओ बी आपका रे होगा, ओ सी रे होगा और ओ डी आपका रे होगा, ठीक उस तरीके से डी नंबर जो कीजिएगा, डी नंबर में क्या होगा आपका, हो सकता है लाइन हो या लाइन लाइन तो नहीं होगा, लाइन सेगमेंट होगा, सब क्या होगा आपका लाइन सेगमेंट होगा, जैसे आप यहाँ पे अगर ओरिजिन ओ दीजिएगा तो ये क्या होगा आपका ए बी सी डी, या आप ओ ए लिखिए, ओ बी ओ सी ओ डी, या आप अगर यहाँ पे ओरिजिन ओ नहीं दीजिएगा तो यहाँ पे दे सकते हैं आप ए सी और बी डी, ऐसे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका एंगल, एंगल आपको दूसरे दिन बताएंगे, आज के लिए बस इतना ही।